हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर माइनक्राफ्ट वीडियो। तो आज की वीडियो में हम खेलने जा रहे हैं माइनक्राफ्ट, पर हमें मिलने वाली है गाइस ओमनीट्रिक्स। और ओमनीट्रिक्स आपको नहीं मालूम तो बहुत पहले एक शो आता था, शायद अभी भी आता होगा, बेन 10 करके, जो मैंने नहीं देखा है गाइस। सही बता रहा हूँ, मैंने नहीं देखा है। मैंने उसके सिर्फ एक एपिसोड या दो एपिसोड देखे थे, तो मुझे कुछ नॉलेज नहीं है उसके एलियंस के बारे में, क्या होता है, कैसे पावर उनमें रहते हैं, बस थोड़ा बहुत बेसिक आइडिया है। इसलिए कोई नूब नहीं लिखेगा कमेंट में गाइस। अगर आपने भी बेन 10 देखा है तो यार कमेंट में बेन 10 लिख देना अगर आपने देखा हो तो। तो चलो गाइस स्टार्ट करते हैं यार वीडियो को। तो पहले ना अपन कैमरा थोड़ा ऐसा रख लेते हैं तो अच्छा लगेगा। अब ये देखो, हाथ में मेरे है ओमनीट्रिक्स गाइस। इसी वॉच से सारे एलियन इसके ट्रांसफॉर्म होते हैं, और खुलता भी यहीं से और बंद भी यहीं से होगा। तो अभी मुझे ये करना कैसे है यूज़, ये समझ नहीं आ रहा है। मैंने गलती से इसको ड्रॉप कर दिया, उठा लेते हैं फिर से। तो इस पर होल्ड करके रखूँ, क्या करूँ समझ नहीं आ रहा। अच्छा हाँ यार, किसी आइटम को यूज़ करने के लिए हमें बाहर होल्ड करना पड़ेगा। और ये बन गया कोई सा एलियन, पता नहीं क्या बना लेकिन अचानक से बन गया था। तो ये देखो गाइस, ओमनीट्रिक्स खुल चुकी है हमारी, और यहाँ पे बहुत सारे एलियंस के ऑप्शन हैं। शॉक, स्क्वॉच, ये क्या नए नए आए क्या, मैंने तो देखा भी नहीं इसको कभी। ये है ब्लॉक्स, और इसको भी मैंने नहीं देखा। एक सेकंड, ये क्या है भाई, मेरा शरीर क्यों दिख रहा है ये ट्रांसफॉर्म। अरे यार कौन बनाया मॉड है, मतलब ऐसा, मतलब आधा अधूरा सा दिख रहा है यार बंदा, मतलब क्या है यार ये। और ये देखो, हीट ब्लास्ट तो है ही नहीं, बस इसको मैं जानता था और मुझे लगा था थोड़ा अच्छा बनेगा। और ये आधा आयरन मैन लग रहा है सही बताऊँ तो। और ये देखो आगे नेक्स्ट का ऑप्शन भी, शायद हम और एलियंस को एक्सप्लोर कर सकते हैं। रुको, नेक्स्ट वाले पे दबा के देखते हैं। और नेक्स्ट दब जा मेरे भाई, दब जा। और ये देखो और एलियंस आ गए, इसका नाम वाटर हजार्ड है लेकिन ये रेड कलर का है। बताओ एस्ट्रोडैक्टिल, एरोडैक्टिल एक पोकेमोन सुना, एस्ट्रोडैक्टिल नहीं सुना। ये क्या था, ये तो पैर के नीचे था। वैम्पायर, पर कपचक, यार ये नए नए देख रहा हूँ मैं, मैंने कभी भी नहीं देखा। आर्टिगुआना नहीं देखा है, नेक्स्ट करो। और यहाँ पे दो बार नेक्स्ट हो गया गलती से, और रुको अपन को फिर से रिलोड करना पड़ेगा ये। तो ये है वाइल्ड मट गाइस, ये फोरआर्म्स है, इसको मैं जानता हूँ, इसके चार हाथ रहते हैं और शायद बहुत ही शक्तिशाली रहता है। इसको भी जानता हूँ, डायमंड हेड को। और आई गाय, इसको नहीं जानता। एलियन एक्स नहीं। स्वैम्पायर, इसको शायद से जानता हूँ मैं थोड़ा बहुत। इको इको भाई, ये सब नहीं जानता मैं। और स्पाइडर मंकी को जानता हूँ, इसको मैं कैसे जानता हूँ, मेरे पास है ना ट्रम कार्ड्स थे बेन 10 के, तो उसमें मैं थोड़े बहुत एलियंस को मैंने देखा था। ये अपग्रेड को भी देखा है मैंने। और ये क्या है, क्लॉक वर्क, ये सब नहीं जानता। क्रोमा स्टोन को मैंने देखा है ट्रम कार्ड में। और नेक्स्ट करते हैं गाइस, एलियन बहुत सारे दिए यार वैसे इन लोगों ने। लोड स्टार, एम्फीबियन, इसको देखा है, ब्रेनस्टॉर्म को मैंने, और बाकियों को नहीं देखा मैंने। फीडबैक क्या है, ये नाम है, एक्सेलराइट को जानता हूँ भाई, एक्सेलराइट सॉरी। ये बहुत तेज भागता है ना, मेरे को मालूम है ये बहुत तेज भागता है। और ये क्या है, एटोमिक्स, ये इसको नहीं मालूम भाई। बॉल, वीविल, क्रैश हॉपर, गटरॉट, ईटल, ये क्या है, नए नए आ रही है। तो एनर्जी सुना सुना लग रहा है, और तो है नहीं इसमें। और देखते हैं रिपजॉस, पता नहीं। डिट्टो शायद जानता हूँ, कॉपी करता है वो शायद। और घोस्ट फ्री, ग्रे मैटर सुना सुना लग रहा है। और देखते हैं गाइस और कौन कौन से हैं, पेस्की डस्ट, स्नेरो, टोपिक, वॉकर ट्राउट, ये भाई ये नहीं। कैनन बोल्ट को जानता हूँ, ये बॉल बन जाता है, गोल गोल घूमते रहता है फिर। और बस इतना ही है गाइस। तो इसमें यार मैं थोड़े बहुत को जानता था। इन सब में आपका सबसे फेवरेट एलियन कौन सा है यार, कमेंट में ज़रूर बताना मुझे। चलो एलियंस तो हमने सारे देख लिए गाइस, अब इनकी पावर भी चेक कर लेते हैं हाथों हाथ। तो पहले एलियन का ही देखते हैं क्या रखा है। ग्रैब अटैक है इसका नाम, और इसके हाथ में कोई सी पावर, ये साइड में क्या है। अच्छा ये सब तो पोशन लगा के रखे हैं, मुझे लगा पावर है। तो ये देखो क्लाउड टाइप का कुछ आ रहा है, और ये इनने कौन सी पावर दी यार, पूरी रेशियो में बटी हुई है। और ये हाथ में क्या फेंक रहा है, ये पता नहीं, कुछ हाथ में इसके दिया है, और शायद ये स्नोबॉल फेंक के मार रहा है, ज़्यादा कुछ है नहीं इसके पास। और ये बन गए गाइज हम ह्यूमंगोसॉर, और इसके पास एक पावर नहीं है यार, ये बंदा किस काम का है, मतलब है। ये देखो ये मिट्टी भी नहीं तोड़ पा रहा सही से यार, ये किसी काम का नहीं है ये तो। और अब एक जाना पहचाना हम एलियन बन चुके हैं गाइस, जो कि है हीट ब्लास्ट। और ये देखो इसके पास उड़ने की पावर है गाइस, लेकिन उड़ता सिर्फ सीधा है, उसके बाद नीचे गिर जाता है, तो किसी काम की नहीं है। इससे अच्छा मैं क्रिएटिव में उड़ लूँ। और साइड में आप देख सकते हो ब्लेज रॉड रखा है, इससे क्या होता है, फायर शॉट। अच्छा इससे फायर मारते गाइस, और अच्छा खासा मार तो रहा है, लेकिन एम करने का तो कोई ऑप्शन है नहीं लग रहा है। और यहाँ पर पिक चला गया मेरे फायर शॉट से, इसको भी ट्राई करके देखते हैं कहाँ गया ये मुर्गी। तो यार वहीं पे यार बिल्कुल चिकन हो गया कुक्ड का। और आगे देखो गाइस,
आगे देखते हैं और क्या ही होता है। वैसे इसका थोड़ा ठीक है, पता है इसके पास ज़्यादा पावर है, बाकियों के पास तो कुछ भी नहीं है। और एक फायर चार्ज भी दिया है, इसका पता नहीं क्या यूज़ है। ये फेंकते कैसे हैं वैसे, ये फेंक भी नहीं रहा, ये पता नहीं क्या है इसका यूज़। और ये एलियन इतने पावरफुल होने के बाद भी देखो पेड़ है ना इतने धीरे काट रहा है। मुझे लग रहा था जब मैं नॉर्मल इंसान था ना तब मैं तेज़ पेड़ काटता था इससे, थोड़ा तो तेज़ काटता ही होऊंगा, क्योंकि ये तो बहुत ही धीरे काट रहे हैं यार। कुछ अपन को पावरफुल बंदा चाहिए जैसे ये ह्यूमंगोसॉर है ना, शायद ये तेज़ काटे पेड़। चलो देखते हैं कितनी तेज़ काटता है। और ये देखो गाइस क्या एलियन बनेगा यार, ये क्या एलियन बनेगा, मतलब इससे कट ही नहीं रहा है पेड़ यार, मतलब कैसे तोड़ रहा है यार ये। और रात हो चुकी है गाइस क्योंकि मैं सर्वाइवल मोड में हूँ अभी। तो ये देखो ये रैत है, ये शेर जैसा दिखता है शायद से, और इसके भी हाथ में कुछ दम है ही नहीं। मतलब यार क्या है यार, क्या हाथ में दम ही नहीं है इन लोगों के। बताओ एलियन इतना बड़ा बना दिया इन लोगों ने, जिसने भी बनाया ना यार थोड़ा बहुत तो मतलब सोचना था आपको कि कैसे इनको हम पावरफुल बनाए। तो अभी देखो ये किसी काम का है नहीं, इसको चेंज करो। एक आइडिया है मेरे पास गाइज, हम ट्राई करते हैं जो मुझे सबसे पावरफुल पोकेमोन लगता था। पोकेमोन क्यों बोल रहा हूँ यार, एलियन लगता था जैसे ये फोर आर्म्स, इसके डोलो की शक्ति अपन ट्राई करेंगे गाइज अभी। और ये तो यार काफी सही तोड़ रहा है, वैसे इसके हाथ में वुडन पिकैक्स जो मैंने बनाया था उससे ये तोड़ रहा है। इसके हाथों का इतना कोई पावरफुल यूज है नहीं, लेकिन मुझे लग रहा था बहुत तेज तोड़ देगा ये, लेकिन बाकी से तो ठीक है यार, बाकी तो बहुत ज्यादा कमजोर थे, ये एवरेज है। एक स्केलेटन घूर रहा है मुझे बहुत देर से, चलो अब हाथों का टेस्ट कर ही लेते गाइस। ये मैंने मारा और दो ही शॉट में मर गया यार, ये होती है पावर। चलो आज मुझे लगा है इसके पास पावर है भाई, मतलब मार सकता है ये बंदों को। तो फोर आर्म्स ने एक ही हाथ से मार दिया है। वैसे यार अगर फोर आर्म्स है ना तो इसके चारों हाथों में एक एक पिकैक्स देनी चाहिए थी ना, वैसे अगर लॉजिक लगाए तो मैं चार हाथों से पिकैक्स से तोड़ रहा होता, बहुत ही ज्यादा अपन कलेक्ट कर पाते। और दोस्तों फ्री में डायमंड लेने की ट्रिक सीख लो, डायमंड हेड बन जाओ और ऐसे देखो डायमंड आप स्पॉन कर सकते हो, इसको बाद में तोड़ लेना। तो ये देखो जितने डायमंड आपको चाहिए जितने चाहिए सारे स्पॉन कर लो डायमंड हेड बन के। एक डायमंड स्वॉर्ड भी मिलती है फ्री में और डायमंड की शील्ड भी है, मतलब डायमंड की है कि नहीं ये नहीं मालूम लेकिन है जरूर। तो अब टाइम आ गया है एक्सेलरेट की स्पीड देखने का गाइस, देखते हैं कितनी तेज दौड़ता है ये। मैंने स्पीड बूस्ट लगा ली इसके ऊपर, पता नहीं क्या लगा लिया इसने, और ये तो बिल्कुल ही धीरे दौड़ रहा है यार। मुझे लग रहा था बहुत ही तेज दौड़ने वाला है लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। ये देखो कैसे दौड़ रहा है यार, इससे तेज तो शायद मेरा बंदा ही दौड़ता होगा यार, ये बहुत ही गलत है यार, ये तुमने पावर का सही उपयोग नहीं किया इसकी। और ये डिट्टो यार क्लोन कैसे बनाता है मुझे ये देखना है, जैसे मैं पेड़ पे बनाऊंगा तो ये पेड़ बन जाएगा क्या, ऐसा कुछ है क्या इसमें। और क्लोन, अच्छा इसने खुद के क्लोन बना दिए गाइस और हम पांच हो चुके हैं, वाह यार ये बहुत सही चीज़ है। तो यार ये सही है, एक सेकंड कुत्ते का क्लोन बनाऊं क्या, नहीं कुत्ता नहीं बन रहा मैं, तो मेरे ही चार क्लोन और बन जाते हैं जो कि मुझे मालूम नहीं कितनी देर टिकेंगे और कुछ करेंगे भी कि नहीं, इसलिए मैंने हटा दिया इसको अभी। ये बन गया मैं कैनन बोल्ट गाइस, और ये बॉल बन सकता है, देखो इसके पास पावर है बॉल बनने की। अब देखते हैं कितनी तेज जाता है और किस किस को कुछ चलता है, और काफी तेज जा रहा है यार, एक्सेलरेट से ज्यादा तेज जा रहा है अगर अपन देखें तो गाइस। अब देखते हैं किसको कुछ चलता है और कितनी जल्दी कुछ चलता है। तो सामने कोई तो आए यार मेरे कोई सा मॉब, तो अपन उसको कुचलें। और यहाँ पे तो कोई दिख नहीं रहा मुझे, थोड़ा आगे देखते हैं, रात भी होने वाली है क्या शायद से, एक तो बारिश एक तो चालू हो जाती है माइनक्राफ्ट में। एक पिग मिला गाइस, इसको कुचला मैंने, अरे ये तो ऊपर से निकल रहा है, क्या कर रहा है यार भाई, ये पावर किसी काम का है नहीं है। देखो चार बार मैं कुचला, इससे अच्छा मैं दो मुक्के मार के नहीं मार देता इसको, ऐसी यूजलेस पावर्स दिए ना एलियन को, मतलब पूरा यार डाउनग्रेड कर दिया। अब मेरे पास एक आइडिया है गाइस, अपन है ना विदर बॉस को मारेंगे ठीक है एज अ बेंटन एलियन। तो पहले मैं इसको स्पॉन करूंगा, फिर जो सबसे अच्छा एलियन होगा वो बन के अपन इसको बहुत मारेंगे गाइस। लेकिन यार स्ट्रॉन्गेस्ट एलियन है कौन इन सब में से, एक सेकंड अपन जाके ना गूगल पे पहले देख के आते हैं। 2000 years later मैं गूगल पे देख के आया गाइस, स्ट्रॉन्गेस्ट एलियन इन्होंने बोला है एलियन एक्स करके कोई है, और उसके बाद एटोमिक्स कोई है, फिर एनआरजी ऐसे ऐसे बोल रहे थे जो मैंने कभी नहीं सुने। तो पहले अपन एटोमिक्स को ढूंढते हैं, एटोमिक्स नहीं क्या बोला था एलियन एक्स, ये रहा मिल गया मुझे, ये देखो ये है एलियन एक्स। और ये क्या हुआ, ये मैं बन तो गया पता नहीं क्या हो रहा है यार, यहाँ पे सही से दिख नहीं रहा कुछ मुझे, बहुत ज़्यादा जूम हो गया क्या। ये है एलियन एक्स गाइस, देख लो इसकी शक्ल देख लो, मतलब लग तो नहीं रहा मुझे कहीं से कि स्ट्रांग है, लेकिन एलियन है शायद ये, मतलब एलियन ही एलियन है, मतलब समझ रहे हो कि एलियन के यूनिवर्स से आया है शायद, ऐसा लग रहा है इसके नाम से। और इसके छाती पे ओमनी ट्रिक्स भी लगा है। तो अब देखते हैं इसके पास क्या, एक ही पावर है,
एक पावर है गाइस इसके पास, बस वो भी फ्लाई वाली, और बस ये उड़ता शायद, और उड़ते समय पता नहीं क्या बन गया था अभी। पहले अपन इसको स्पॉन करते, फिर देखते हैं इसके हाथ में कितना दम है। तो इसको स्पॉन करते हैं पहले अपन विदर बॉस को। ये कर दिया मैंने विदर बॉस को स्पॉन गाइस, अब ये बन रहा है। अब मैं फटाक से ना अपना सर्वाइवल कर लेता हूँ। और अब गाइस ये देखो कितने हार्ट है यार इसके पास, बहुत टाइम लगेगा, मैं मतलब इससे ज़्यादा स्ट्रांग हूँ अभी के लिए। लेकिन एक चीज़ तो मैंने सोची नहीं कि मैं इसको मारूंगा कैसे, क्योंकि इनकी जो फ्लाई है ये देखो, ये टेक ऑफ होती है और फिर जो अपन कागज़ के प्लेन नहीं बनाते थे वैसे नीचे आकर गिर जाती है। मतलब ये है इनके फ्लाई की पावर गाइस, बहुत ही मतलब बहुत ही नेक्स्ट लेवल घटिया है। अब देखते हैं मैं इसको कैसे मारता हूँ। अब मैं इसको मारूँ कैसे, पहली बात यार ये तो भगे जा रहा है इधर उधर। मतलब विदर बॉस है ना, मुझे इसलिए नहीं पसंद यार, भगता रहता यार। मतलब अगर तू यार भगेगा तो मैं तुझे मारूंगा कैसे। ये देखो ये टेक ऑफ करने से पहले लैंड हो जाता है, ये क्या नाम है इसका, एलियन एक्स। और इसको फ्लाई करने बोलो तो ये रॉकेट के अंदर जाके बैठ जाता है, उसका रॉकेट सीधे देखो उठ रहा है, उसके बाद अब ये नीचे गिर जाएगा क्योंकि आगे जाने का ऑप्शन है ही नहीं। अब मैं करूँ क्या यार, इसको मारूँ कैसे मैं। गाइस टाइम आ गया है ओमनीट्रिक्स निकालने का और इस घटिया एलियन को चेंज करने का, देखते कोई और एलियन मार सकता है क्या इसको। अब मैं बन गया हूँ एटॉमिक्स, जो कि सेकंड नंबर पे था स्ट्रांगेस्ट एलियंस में से। अब देखते हैं कितना पावरफुल है, और वापस सर्वाइवल कर लेता हूँ मैं ताकि लड़ाई चालू हो जाए। अब देखो इसके पास क्या पावर है गाइस, दो तीन पावर है, एक तो फ्लाई वाली है ठीक है, दूसरी पावर अभी देखते हैं एटॉमिक पावर है। और ये सही लग रही है यार, क्या ही धमाके हो रहे हैं। रुको बस मुझे जाना है इसके नीचे, बस एक और दिक्कत है कि इस तक पहुंचेगा कि नहीं अटैक, क्योंकि मैं नीचे धसते जा रहा हूँ इसकी पावर के कारण, ये उल्टा मेरे पे ही बैकफायर कर जा रही है। इसकी पावर मतलब है तो अच्छी खासी, लेकिन यार उस तक रीच कैसे होगी ये बताओ। मुझे पेड़ के ऊपर चढ़ के मारना पड़ेगा लग रहा है। और ये बीम मार के देखते हैं, और ये बीम यार ये सर से निकल तो रही है, जा किधर रही है। लेकिन आई डोंट थिंक गाइस ये कुछ अच्छी पावर है, मतलब बहुत ही घटिया लग रही है बीम तो। पता नहीं बीम में क्या ब्लॉक फेंक के मार रहा है, पता नहीं क्या कर रहा है। तो ये इसकी जो पहली पावर थी ना यही थोड़ी ठीक थी, बाकी तो यार सब ऐसी है। लेकिन गाइस मुझे लग नहीं रहा अपन इस विदर बॉस को ऐसे मार पाएंगे, ये उड़ते ही रहेगा। तो अपन ट्राई करते यार इसको ना एक केव में फंसाता हूँ ठीक है, मैं केव में स्पॉन करता हूँ, उसके बाद देखते हैं कहाँ भगता है, फिर मैं इसको मारूंगा। तो ये केव के अंदर आ चुके हैं गाइस अपन, अब यहाँ पे मैंने इसको स्पॉन कर दिया, अब इसके पास भागने की जगह नहीं। और मैंने चालू कर दिया एटॉमिक पावर चालू कर दिए, और इसको सर्वाइवल कर लेते हैं। अब देखो गाइस अब इसकी पिटाई होते हुए देखने अपन को, लेकिन यार इसकी हेल्थ जा क्यों नहीं रही, और मैं ही उल्टा पीछे उड़ रहा हूँ यार, ये भाग तो नहीं गया फिर से यार, मुझे देखना पड़ेगा क्योंकि मैं बहुत देर से मार रहा हूँ यार, इसको लग ही नहीं रही क्या हो रहा है। मतलब अभी तक तो इसे ढेर हो जाना चाहिए था, लेकिन कोई भी नहीं हुआ। और यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो ये तो है ही नहीं, गया कहाँ ये, अरे यार ये गायब होके भाग गया लग रहा है मुझे केव से, पता नहीं कहाँ चला गया। अब ये विदर बॉस यार ऐसे नहीं मान रहा, अब है ना इसकी मौत क्रिएटिव में लिखिएगा इस, तो मैं क्रिएटिव करता हूँ और फिर देखते हैं अपन, क्योंकि देखो ऐसे तो अपन मार नहीं सकते। तो अब मेरे को ये देखना है ये कितनी जल्दी मारता है उसको, मतलब ये किस बात के एलियन है, मुझे ये देखना है अब। तो अब इसको स्पॉन करेंगे अपन ठीक है, उसके बाद हवा में इसके साथ उड़ के ही अपन इसको मारेंगे, देखते हैं इसकी एटॉमिक पावर कितनी अच्छी है। तो अभी तो ये स्पॉन हो रहा है गाइस, अब देखते हैं इसकी एटॉमिक पावर कितनी जल्दी विदर बॉस को मार पाती है। और ये हो गया स्पॉन, ब्लास्ट इसका ज़्यादा अच्छा है मेरे से। और ये देखो एटॉमिक पावर मैंने चालू कर दिए, और लग रही है, लग तो रही है, लेकिन यार उतनी खास कोई डैमेज दिया नहीं इसने। अभी देखते हैं कितना डैमेज आ रहा है, नहीं यार इतना कोई खास डैमेज है नहीं गाइस। मतलब इसको तो मैंने सेकंड स्ट्रॉन्गेस्ट एलियन बोला है, लेकिन इसकी पावर तो यार बिल्कुल ही घटिया है। और वो जो एलियन एक्स तुमने बोला था उसको तो तुमने पावर ही नहीं दी कुछ मारने के लिए, वो बेचारा मारेगा भी कैसे अगर उसके पास होगी भी। तो ये देखो ये हम समझिए गाइस कि ये कितना पावरफुल है। अभी हम और एलियन चेक करते हैं, रुको एक और। अब हम देखते हैं इस बिग चिल को गाइस, ये भी काफ़ी मतलब पावरफुल है, मैंने सुना है इसका नाम बहुत बार। तो देखते हैं क्या करता है, और इसका आइस शॉट मैंने मारा है, और एक चीज़ आप देखो ना, मैंने आइस शॉट मारा और आइस शॉट में खुद ही फंस गया, मतलब तालियां तालियां होनी चाहिए गाइस, मतलब आइस शॉट में खुद ही फंस गया। देखो अब मैं बाहर नहीं निकल पा रहा हूँ, मतलब ऐसा शॉट इसने मारा यार, ये खुद कैसे फंस सकता है। अब नेक्स्ट है गाइस फीडबैक, इसका भी नाम था एक आध लिस्ट में, तो देखते हैं क्या करता है। इसके पास शॉक है, अच्छा ये थॉर जैसे मारेगा, मतलब रुको ये शॉक मारेगा। अब देखते हैं इसका शॉक कितना पावरफुल है, और अभी तक कुछ काम तो आया नहीं, अब आया यार, है यार एक बार बंदे ने काफ़ी अच्छा शॉक दिया है इसको। और एक और बार ट्राई करके देखते हैं, मैं इसको मार रहा हूँ पूरा मेरा, देखो एम इसके ऊपर, ये शॉक बस निकल जाए एक बार, देखते हैं अच्छे से लगेगा ना। हाँ ये लगा तो है ज़्यादा, लेकिन गई नहीं, थोड़ी बहुत जा रही है, मतलब देखने में मज़ा आ रहा है, और हाँ जा भी रही है थोड़ी बहुत हेल्थ। अब मैं बन गया हूँ गाइस एनआरजी, जो कि बहुत ही अच्छी लिस्ट में था टॉप रैंकिंग पे। तो देखते हैं इसके पास क्या पावर है, एक लावा शॉट है, जो कि लावा इसका बहुत ही बेकार जा रहा है। और दूसरी पावर ये है कि आर्मर के बाहर आ जाता है, उसके बाद क्या करता है वो किसी को नहीं मालूम चला।
तो ये लावा शॉट आप देख सकते हो, मार तो रहा है, ठीक ठाक लग रही है, लेकिन मुक्को जैसे ही मार रहा है तो कुछ अच्छा सा दिख नहीं रहा। तो अब मैंने ना स्पाइडर मंकी ले लिया गाइस, और मैं सोच रहा हूँ ये जो विदर बॉस है ना, इसको अपने वेब में फंसा देंगे, उसके बाद मारेंगे अपन इसको। लेकिन ये देखना है कि ये फंसता है कि नहीं, तो अभी देखते क्या होता है। अभी तो ये ओपन में घूम रहा है, रुको इस पर पूरा वेब शॉट में डाल देता हूँ, पूरा इसको फंसाना गाइस अपन को। और इसकी स्पीड स्लो हो जाएगी मेरे हिसाब से, होनी तो चाहिए, लेकिन इसको असर हो ही नहीं रहा यार। रुको यहाँ फंस चुका है ये, अब ये फंस चुका है बीच में, अब ये नीचे कहीं जा रहा है। नहीं यार इस पर असर हो रहा है कि नहीं यार, मुझे समझ नहीं आ रहा इसकी हेल्थ कैसे जा रही है, और मैंने तो मारे नहीं इसको अभी तक। शायद वेब शॉट में फंस के जा रही होगी नीचे, और ये नीचे जाते जा रहा है यार। ये बिल्कुल बहुत ही ज़्यादा भगोड़ा है सही में, बहुत ज़्यादा भाग रहा है ये, नीचे आ गया और नीचे आ गया ये, और इससे नीचे तो मैं भी नहीं जा पा रहा हूँ। रुको और थोड़ा इसको फंसा देते गाइस, पूरा है ना इसको वेब में अपन फंसा देंगे। और अब मैं हीट ब्लास्ट बन गया, और हीट ब्लास्ट बन के अपन पूरी ये वेब को जला देंगे गाइस। तो मतलब अल्टीमेट मास्टर प्लान है ये, लेकिन ये वेब जलेगी नहीं मेरे हिसाब से, फैलने वाली होती तो मज़ा ही आ जाता आग। अब देखते हैं कहाँ छुपा है जाके, ये रहा ये देखो यहाँ छुपा है, ये वेब से तो निकल जा रहा है गाइस, वेब इसको असर नहीं हो रहा। हीट ब्लास्ट की लावा शॉट ये फायर शॉट क्या है ये, इसको मार के मैं देख रहा हूँ कुछ ज़्यादा असर हो नहीं रहा है इसका, लेकिन हीट ब्लास्ट से अपन मारेंगे इसको गाइस। रुको अच्छी खासी लग तो रही है, वैसे ये नीचे स्लाइम छोड़ रहा है, क्या छोड़ रहा है ये, तो ये तो ऐसे ही भागते रहेगा गाइस, हम इसे भगाते रहेंगे और इसे मारते रहेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी यार तो वीडियो को लाइक कर देना, और अपना फेवरेट बेंटन एलियन कमेंट करना मत भूलना गाइस। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लो यार ऐसे मज़ेदार वीडियोज के लिए। और अगर मेरे माइनक्राफ्ट का पिछला गेम प्ले देखना है तो आपकी स्क्रीन के ऊपर आ रहा है, देख लो दबा के।